30 अप्रैल 2020 को मशहूर टीवी एंकर रोहित सरदाना का निधन हो गया था। वो कोविड-19 से संक्रमित थे और 30 अप्रैल को हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ। रोहित के निधन की खबर से पूरा देश शॉक हो गया था। टीवी, अखबार, सोशल मीडिया रोहित के निधन की खबर से भर गया था। लेकिन रोहित के इस दुनिया से जाने के बाद कुछ ऐसी खबरें भी YouTube प्लेटफॉर्म पर चलाई गईं, जिसने रोहित सरदाना की पत्नी प्रमिला दीक्षित को ठेस पहुंचाई। ये एक तरह की फेक न्यूज थी, जिसे मनगढ़ंत तरीके से रोहित सरदाना के बारे में बनाया गया था। अब रोहित सरदाना की पत्नी ने ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया है। प्रमिला दीक्षित ने उन खबरों के झूठ को बेनकाब कर दिया है। प्रमिला ने 26 मई को रोहित सरदाना के ट्विटर और अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट लिखकर इन खबरों के झूठ का पर्दाफाश किया। प्रमिला ने कुछ यूट्यूब चैनल की खबरों का स्क्रीनशॉट साझा किया, जिसमें रोहित सरदाना की संपत्ति, लाइफस्टाइल से जुड़ी खबर दिखाई गई। इन स्क्रीनशॉट्स को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, डूंडा हेड़ा यानी क्रॉसिंग रिपब्लिक में 1450 स्क्वायर फीट का ईएमआई पर फ्लैट है, गाड़ियों के नाम पर ईएमआई पर क्रेटा है, संपत्ति, दो बेटियां और करोड़ों लोगों का अतः प्यार है। दया भाव नहीं चाहिए, पर ऐसे जाने वाले को बदनाम ना करें जिसने वीआईपी कैटेगरी में जाकर वैक्सीन तक लगवाना गवारा ना समझा। यूट्यूब पर ये तांडव बंद कीजिए। प्रमिला के इस पोस्ट पर रोहित सरदाना के चाहने वाले लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। प्रोफेसर सौरभ सुमन ने लिखा, मैम ऐसे लोगों के लिए मत सोचिए, हमारे जैसे करोड़ों लोगों के लिए सोचिए जो उनसे अतः प्यार करते थे, हैं और रहेंगे। सर इस मैटर पर कहते, अरे प्रोफेसर साहब छोड़िए इन लोगों को, इनको आता ही इतना है, आप अपना काम कीजिए, मैम आप इन सब पर ध्यान मत दीजिए। वाल्वी मंगल नाम के यूजर ने लिखा, आपसे प्यार करने वाला इंसान इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करेगा सर, बस नाराजगी इस बात की है कि आप बहुत जल्दी चले गए। राम त्यागी नाम के यूजर ने लिखा, हमारे लिए तो आप ही बेशकीमती थे भैया, मैं आपको भुला नहीं पा रहा हूँ। नीच लोग यूट्यूब पर आपके बारे में उल्टे सीधे दिखाकर व्यूज कमा रहे हैं, काश आप ना जाते। विपिन चौधरी नाम के यूजर ने लिखा, इनकी संपत्ति संपूर्ण भारतवर्ष का जन समर्थन है, जाहिल लोगों को क्या पता, भौतिक संपदा से ज्यादा जनसमूह में आपका सम्मान ही संपत्ति है, उस भौतिक संपदा से ही बढ़कर है जिस बौद्धिक संपदा को जाहिल संपत्ति कहते हैं। रोहित भाई जैसा व्यक्तित्व भगवान दिव्य आत्माओं को देता है। रोहित सरदाना भले ही इस दुनिया से चले गए हों, लेकिन वो अभी भी अपने चाहने वालों के दिलों में बसे हुए हैं, जो लोगों के कमेंट में दिख रहा है। लोग अपने चाहने वाले के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, शायद इसीलिए YouTube चैनल्स रोहित सरदाना से जुड़ी खबरें बना रहे थे। लेकिन खबर के नाम पर झूठ दिखाना, गलत जानकारी देना चैनलों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है।